नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। मार्टिनगंज में किसान सभा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बजरंग बहादुर सिंह वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल रहे। आजमगढ़ मार्टिनगंज में सभा आयोजित हुआ, जिसमें किसान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो किसान बिल के खिलाफ है वो किसान नहीं है। यह सरकार जो किसान बिल लेकर आई है वह किसानों के हित में है, और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वह किसी न किसी पार्टी से संबंधित हैं। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। आज माननीय प्रधानमंत्री पीएम जी द्वारा एक ही बटन दबाकर 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खाते में सीधे जाने वाली, तो उसके बारे में आपका क्या करना है? किसानों के हित की बात है। जब से भाजपा की सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री हुए हैं, तो हमेशा से किसानों के हित के लिए ही सोचते हैं और किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि तीन कानून उन्होंने किसानों के हित के लिए पास किया है, जो उसी के उपलक्ष्य में आज 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में 2 ही मिनट में जाएगा। यह पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है किसानों के। जगह जगह किसान सम्मेलन गोष्ठी मनाई जा रही है, जो सम्मान किसानों को सम्मान निधि प्राप्त की जा रही है। जगह जगह किसान वहां तो आंदोलनरत है, 1 महीने हो गया, यहाँ किसान खुशी से बैठे हुए हैं। वास्तव में जो किसान हैं, आप किसान हैं, बड़े पैमाने पे किसानी करते हैं, ये बताइए कि आज पीएम प्रधानमंत्री जी द्वारा करीब 18,000 करोड़ रुपए खाते में जाने वाला है, अभी भी चला जाएगा 2 मिनट के अंदर, इस पर आपका क्या कहना है? और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वास्तव में किसान नहीं है जी, जो देश की विरोधी पार्टियां हैं उनके लोग हैं, और जो लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तीन प्रांत में न तो MHP है, न तो वहां कोई है जी, यहाँ आकर के सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने काम कर रहे हैं वो लोग। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं, जो किसानों के खाते में 18,000 करोड़ गया है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जो है इसे किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी जी। तो ये मानना है कि बिचौलियों का खेल बिगाड़ा जा रहा है, बिचौलियों द्वारा खेल बिगाड़ा जा रहा है जी जी, आपका भी मानना यही? बिल्कुल ठीक। हाँ सर, जगह जगह यहाँ किसान गोष्ठी मनाई जा रही है और भव्य स्वागत किया जा रहा है, ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी का भाषण दिखाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे किसानों के हित के लिए? क्या कहेंगे किसानों के हित के लिए? हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। 2014 से जब से केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हमारी सरकार ने किसानों के हित में कार्य किया, चाहे वह कर्ज माफी है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, या किसान सम्मान निधि योजना है। यहाँ किसानों को जो खेती बाड़ी के लिए कर्जदारों साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, अब प्रधानमंत्री जी उनके खाते में सीधे पैसा भेज रहे हैं, जिससे वे आसानी से अपने खेतों के लिए उर्वरक खरीद सकते हैं, जुताई कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं, निराई कर सकते हैं, उन्हें किसी के चंगुल में फंसने की आवश्यकता नहीं, उसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। ठीक।